YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप लोग सिंपल और आसान रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, यानी कि अप्पम। इसे अप्पे भी कहा जाता है। तो चलिए झटपट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अप्पे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इडली का बैटर यूज किया है। इडली का बैटर कैसे बनाया जाता है अगर आपको देखना है तो आप ट्राइकलर इडली के वीडियो में देख सकते हैं। अब इस बैटर में हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। बारीक चॉप की हुई 4 मीडियम साइज की प्याज, 4 टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को हम इस बैटर में ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अब इन तीनों चीजों को हम बैटर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे अप्पे का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम अप्पे बनाना शुरू करेंगे। अप्पे के पैन को मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अप्पे का ये मोल्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सारे मोल्ड को बटर के साथ अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखते हुए हम इसमें अप्पे का बैटर ऐड करेंगे। सारे मोल्ड्स में बैटर ऐड करने के बाद हम इसे ढककर कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे पलटने से पहले आप अगर चाहे तो इसके ऊपर बटर ऐड कर सकते हैं। एक स्क्यूअर की मदद से हम इसे पलटेंगे। एक नॉर्मल सा वुडन स्क्यूअर मैंने यहाँ पर यूज किया है, जो अक्सर हम स्टार्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। इसे पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम कम से कम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे।
इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम फिर से इसमें बटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे अप्पे बनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और सिंपल सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। अप्पे और अप्पम, इन दोनों नामों से ये जाना जाता है। मैंने इसके साथ नारियल की चटनी यहाँ पर सर्व की है। आप अगर चाहे तो सांभर भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।